हाय गाइस, वेलकम SSCIQ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको YT स्टूडियो के बारे में बताने वाला हूँ। YT स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स हैं जो आप यूट्यूब वेबसाइट पे जाने से अच्छा है यहाँ YT स्टूडियो में देख सकते हैं। आइए मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, YT स्टूडियो ऐप एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इधर इस सेक्शन में स्टूडियो है, यहाँ पर डैशबोर्ड है, वीडियो है, ये रहा डैशबोर्ड, यह है वीडियोस, यह है प्लेलिस्ट, यह है कमेंट, यहाँ एनालिटिक्स है। ये बारी बारी से मैं खोल खोल के आपको सबको दिखाता हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। YouTube ने इसको इसीलिए लॉन्च किया जिससे हमारे YouTube चैनल वाले उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए डैशबोर्ड हम क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड में आपको देखिएगा अपने लेटेस्ट क्या पोस्ट किया है, क्या जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो सब पे टॉप पे दिखेगी। यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स 28 डेज का दिखा रहा है, वॉच टाइम जो भी है आपका, जो मिनट है, व्यू कितना है, सब्सक्राइबर कितने एक महीने में बने, वो सारा दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो वीडियो दिखाएगा जो आपका टॉप में है, जो आपने रिसेंट डाला है उसको दिखाएगा। अब नीचे देखें तो नीचे देखिए जो आपका ड्यूरेशन है, वॉच टाइम है, वो सारा है। यहाँ पे देखिए व्यू है, एवरेज है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब कितने व्यूवर्स ने देखे और कितने मिनट एवरेज आया, उसका वॉच टाइम कितना आया, वो है। ठीक है, ये है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ वीडियोज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना वीडियोज़ लिखा है। उसके बाद वीडियो की लिस्ट है ये यहाँ पर, और पूरी लिस्ट देखनी है तो आपको यहाँ व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, व्यू मोर पर क्लिक करते ही आपने जो भी रिसेंट वीडियो डाली होंगी वो सारा यहाँ पर देखिए लिस्ट में दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा, वो सारे वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाई वन। यहाँ पे सारी लिस्ट है, ठीक है, जितने भी वीडियो आपने डाले होंगे वो सारा यहाँ से आप वन प्लेस पे आप देख सकते हैं। अब डैशबोर्ड में मैं फिर से जाता हूँ। ये यहाँ पे कमेंट वगैरह भी है, डैशबोर्ड फिर से जाएंगे तो वीडियोज़ तो हमने देख ही लिया। अब प्ले लिस्ट में जाते हैं तो जो अभी आप प्ले लिस्ट बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये इतने सारे प्लेलिस्ट हैं जो मैंने बना रखे हैं अलग अलग। मैं स्टडी टॉपिक्स पे बनाता हूँ तो स्टडी टॉपिक से रिलेटेड है, सारे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। किसी भी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके सारा डिटेल, सारा वीडियो उससे संबंधित देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट पर क्लिक किया है वो ओपन हो रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा, ये देखिए ये खुल गया यहाँ पर। ठीक है, ये वहाँ से यहाँ पे पूरा का पूरा वन बाय वन सब यहाँ पे डिटेल दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए जी ये, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने प्लेलिस्ट में व्यू होंगे देखिए 6 दिखा रहा है, मतलब 6 बार प्लेलिस्ट को खोला गया है तो वो दिखाया। अब आइए आगे मैं दिखाता हूँ आपको आगे, ये है कमेंट्स। यहाँ से आप पूरा कमेंट, जितने भी वीडियोस पे कमेंट वगैरह आए होंगे रिसेंट, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, जो भी है सारा का सारा देख सकते हैं और इसे लाइक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके लाइक कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब सारा कुछ हो सकता है। आप इसको कमेंट को पिन भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको खोलना है आपको, खोल लिया आपने, और इसको हम पिन भी कर सकते हैं, पिन ऑप्शन है, पिन कर देंगे तो ये टॉप पर रहेगा, ये कमेंट का फीचर्स है। तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये सारा यहाँ से देख सकते हैं। आगे है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपके पूरे वीडियो का रिव्यू दिखाएगा कि आपका कौन सा वीडियो टॉप पे चल रहा है, रियल टाइम क्या वॉच आया, ये सारे दिखाएगा आपका, उसका ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, 28 डेज में आपके कितने व्यूअर्स थे, कितने मिनट हुए हैं, ये सारा दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए ओवरव्यू में यहाँ रियल टाइम दिखा रहा है 130, और यहाँ पर देखिए वीडियो वाइज जो आपके रिसेंट देखे गए हैं वो सारा दिखा रहा है, कितने व्यू आए हैं, किस पे। और यहाँ पे देखिए वॉच टाइम मिनट वो दिखा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे तो व्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी दिखा रहा है कि आपका कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहा है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, चूँकि ये मोनेटाइज नहीं है चैनल इसलिए इसमें रेवेन्यू नहीं दिखा रहा कुछ। और यहाँ पर भी यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, आपको डेटा दिखाता अगर आपका रिवेन्यू मतलब मोनेटाइज होता तो चैनल। और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर जो भी आपके 28 डेज में चेंज हुए वो दिखा रहा है, रिवेन्यू का हो ही गया। यहाँ लाइक डिसलाइक दिखाएगा, 100% लाइक है, डिसलाइक कितना परसेंट है वो उसके हिसाब से दिखाएगा। यहाँ पर टॉप वीडियोज़ दिखाएंगे आपके कि अभी तक किस पे टॉप के
आपकी वीडियो रैंक की है। तो यहाँ पे देखिए ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ऐसे टाइप के आपका व्यू के हिसाब से यहाँ दिखाता है। अब आइए, यहाँ रेवेन्यू सेक्शन है, अलग स्पेशल रेवेन्यू सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका सारा देखिए यहाँ पे योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड मोनेटाइज प्लेबैक्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन है, एड टाइप है जो आप ऐड लगाते हैं, टॉप अर्निंग वीडियोज़ है, ये सारा है, टॉप कंट्री बाई CPM क्लिक पर मिनट, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर है। उसके बाद डिस्कवरी में भी जाएँ आप, डिस्कवरी में देखें पूरा का पूरा अच्छा रिव्यू है इसमें, इम्प्रेशन के लिए CTR वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर इम्प्रेशन क्या कितना है, उसके बाद ट्रैफिक सोर्स टाइप क्या है, एक्सटर्नल कितना है, और ब्राउज फीचर से कितना आया है। ब्राउज फीचर्स आप समझ ही सकते हैं कौन सा होगा, जो मान लीजिए आप जब YouTube खोलते हैं तो वहाँ पर सामने वीडियो आ जाती हैं, वो सब ब्राउज फीचर्स से आ जाते हैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन जैसे अब किसी ने बेल आइकन दबा रखा है तो उसके नोटिफिकेशन आएगा तो वो उसके थ्रू जाएगा, अदर में आ जाएगा जैसे जीमेल आईडी पे मेल जाते हैं उसके हिसाब से आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज दिखाया है, तो यहाँ पे मेरा फेसबुक से आया हुआ है तो वो दिखा रहा है यहाँ पे, और गूगल से कुछ आया है, क्रोम ऐप से आया है, जीमेल से आया है, तो ये सारा दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप यूट्यूब सर्च आइटम्स IQ टेस्ट, अब इसमें देखिए जो सर्च टर्म्स है मतलब क्या सर्च करके लोग ज़्यादा पहुंच रहे हैं उसके बारे में वो कीवर्ड दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये है किस नाम से मतलब टॉप सर्चिंग है इस वीडियो, ये था। और टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है टॉप वीडियो जो है उनका कंटेंट क्या है वो पूरा दिखा रहा है इसमें डिटेल में, वन बाई वन मिक्स क्वेश्चन करवाकर ये वॉच टाइम के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप प्लेलिस्ट और कंटेंट 100% लेटेस्ट न्यूज़ में अच्छा खासा मिल रहा है मेरे को। अब ऑडियंस में जाएंगे, ऑडियंस में क्या है देखिए यहाँ पे ऑडियंस फीमेल कितने परसेंटेज हैं वो दिखा रहा है, फिर मेल कितना टाइम दे रहे हैं वो दिखा रहा है, एज ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पर 18 से 24 के बीच में कितने थे, 25 से 34 के बीच में कितने थे वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे वन बाय वन सारा कुछ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्री भी दिखा रहा है कि इंडिया से कितने लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो 96.2% दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं सब, और यूक्रेन से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं वो भी दिखा रहा है, नो सबटाइटल्स ये यहाँ पे ये सब चीज़ें। अब इंटरैक्टिव कंटेंट, टीजर क्लिक पर कार्ड, टीजर ये क्लिक पर कार्ड सोन, ये सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वन बाय वन देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का क्या है हिसाब किताब है, नंबर ऑफ टाइम्स प्लेलिस्ट वेयर व्यू 22, ये पूरा 28 डेज का दिखा रहा है कौन कौन सा प्लेलिस्ट टॉप में चल रहा है, तो वो सारा यहाँ पे आप 28 डेज का सारा रिव्यू दिखा देगा इसमें, ठीक है। तो ये थे पूरा एनालिसिस था इस वीडियो का, ठीक है, आपको आई होप YT स्टूडियो का भी यूज़ करना पता चल गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये सारा पूरा मैंने बता दिया वन बाई वन। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके भी बताएं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं टेक्निकली भी वीडियो बनाता हूँ YouTube से रिलेटेड, या आपको वीडियो कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।